जब भी हिंदी में किसी चीज की कल्पना करते हैं तो मुंह से क्या निकलता है? काश। अगर इसी काश को इंग्लिश में लिखना है तो हमें कहना होता है आई विश, या हमें कहना होता है वुड दैट, या हमें कहना होता है एज इफ, या हमें कहना होता है एज दो। हालांकि स्कूल में और स्पोकन में ज्यादातर जगह तुम्हें बस आई विश दिखाई देगा और कोई कल्पना दिखाई नहीं देगी करते हुए, पर आपके एग्जामिनर एरर बनाता है, इसलिए वो इनमें से किसी को भी यूज कर सकता है। तो आपको मैंने सीधा तरीका दे दिया इंग्लिश में कल्पना को पहचानने का। आई विश देखते ही इमेजिनेशन है, वुड दैट देखते ही इमेजिनेशन है, एज इफ देखते ही इमेजिनेशन है, एज दो देखते ही इमेजिनेशन है। अब अगर हमें पता लग गया कि हमारा सेंटेंस इमेजिनेशन वाला है तो बड़ा सिंपल फंडा है बेटा। टेंस कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, सिर्फ एक ही वर्ब आती है, वो है वर। ध्यान से मेरी बात सुनो, टेंस कोई भी हो और सब्जेक्ट कोई भी हो, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल फर्क नहीं पड़ रहा, टेंस प्रेजेंट है पास्ट है फ्यूचर है फर्क नहीं पड़ रहा, हर केस में एक ही वर्ब आएगी, वो क्या है? वर। फिर से अपने स्कूल वाले टीचर्स को याद करो, काश मैं पक्षी होता को इंग्लिश में बोलते थे आई विश आई वर अ बर्ड। क्या बोलते थे? आई विश आई वर अ, आई के साथ वर, जबकि आई वॉज टीचिंग यू येस्टरडे, आई वॉज बोल रही हूं। तो कल्पना है, इसलिए आई के लिए क्या लगा रहे हैं? वर लगा रहे हैं। ही होता ना तो भी वर लगता, शी होता तो भी वर लगता।